अगर आप बिल्कुल ही परेशान हो चुके हो एक्ने मार्क से, डबल डेली डेली पिंपल्स निकल जा रहे हैं, उसके जो दाग है वो आपकी स्किन पर रह ही जा रहे हैं, फेस पे रह ही जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी लो होता ही होता है। Hey guys, welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। जैसे कि आपको टाइटल और थंबनेल से पता ही चल गया होगा कि आज का वीडियो कौन से टॉपिक पर होने वाला है। हाँ जी, मैं आज आपको बताने वाली हूँ 10% नियासिनामाइड को कैसे यूज करना है अपनी स्किन पर और इसको अपने फेस पर एक दिन में हम कितनी बार अप्लाई कर सकते हैं। ये सब चीजें मैं इस वीडियो में बताना चाहूंगी आपको। आप गाइस किसी भी कंपनी का 10% नियासिनामाइड खरीद सकते हैं और मेरे पास है बी बॉडी वाइज का नियासिनामाइड। इसको मैं पिछले 1-1.5 साल से यूज कर रही हूँ और इसके बहुत से फायदे भी मुझे हुए हैं, सो मैं वो सब भी आपके साथ शेयर करूंगी। बट एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि आपको इससे बेनिफिट्स होंगे, बट ये नहीं कि आप ये सोचोगे कि 10 दिन में या 20 दिन में ही मुझे बेनिफिट मिल जाए, क्योंकि अभी भी मैं कंटिन्यू इसको यूज कर रही हूँ फिर भी मेरे फेस पर पिंपल्स निकल आते हैं, जैसे कि आप ये वाला देख रहे होगे, ये अभी नया नया ताजा निकला है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि 10% नियासिनामाइड के क्या क्या फायदे होते हैं। ये एक तो हमारे फेस पे ना पिगमेंटेशन को खत्म करता है और दूसरा जो हमारे एक्ने मार्क्स हो जाते हैं ना, जैसे कि हमको पिंपल हो गया और पिंपल होने के बाद उसका जो दाग हमारी स्किन पर रह जाता है ना, उसको रिड्यूस करने का काम करता है, जो कि मेरी स्किन पर इसने किया है। बट बहुत देर में काम करेगा, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी कर देगा। अभी भी मेरी स्किन पर बहुत सारे निशान आपको देखने को मिल जाएंगे, बट ये वर्क करता है और जो हमारे फेस पर ना नए नए पिंपल्स आते रहते हैं उनको भी कम करता है, और जिन लोगों की ऑयली स्किन रहती है और सीबम, उसको भी कम करने का काम करता है 10% नियासिनामाइड। तो अब बात करते हैं कि इसको यूज कैसे करना है, अपने फेस पर अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले अपना फेस वॉश कर ले, किसी भी फेस वॉश से सबसे पहले आप अपना फेस बिल्कुल साफ कर ले और उसके बाद टोनर का यूज करें। मेरे पास ये टोनर है, मैं इसको ही यूज करूंगी। आप कोई भी टोनर ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। मेरे पास है गाइस पिलग्रिम का टोनर, तो इसको यूज करने का तरीका ऐसे होता है। टोनर को अच्छे से सूख जाने के बाद लगभग 1 मिनट का वेट करिए, तब तक टोनर अच्छे से ड्राई हो जाएगा और उसके बाद हम लोग अप्लाई करेंगे 10% नियासिनामाइड। तो ये गाइस बी बॉडी वाइज का 10% सीरम, जिसपे साफ साफ लिखा गया है फेड एक्ने मार्क्स एंड पिगमेंटेशन। तो मैं आपको ये बॉटल ओपन करके दिखाती हूँ और आपको बता दूं कि ये बी बॉडी वाइज का कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, जो भी इसके रिव्यूज है मैं आपको क्लियर और साफ साफ जो है, मतलब रियल है, वही मैं आपको बता रही हूँ। सो मेरे को ये मिला है एक इस बॉटल में और साथ में हमें एक ड्रॉपर मिला है। तो मेरे पास एक बॉटल ये भी है, ये मैंने इतना यूज किया हुआ है गाइस, अब देखें। और अभी मैं आपको ये वाली बॉटल से यूज करके दिखा रही हूं। ड्रॉपर की हेल्प से हम लोग निकालते हैं नियासिनामाइड और अपने फेस पर लगाते हैं। हम इसको 3 से 4 बूंदे यूज करेंगे अपने पूरे फेस पर और थोड़ा गर्दन पर भी इसको अप्लाई करना चाहिए। अब अच्छे से मसाज करनी है अपने फेस पे और इसको ऐसे टैप टैप करके भी कर सकते हैं यूज, मतलब बहुत हल्के हल्के हाथ से, बहुत प्यार से, और गर्दन पे भी करना है। नियासिनामाइड को भी लगभग 1 से 2 मिनट के लिए फेस पर एब्जॉर्ब होने के लिए हमें छोड़ना है, मतलब मसाज करते रहना है। देन इसको 1 से 2 मिनट्स के लिए फेस पे लगे रहने देना है। इसके बाद हमें कोई भी, मतलब जस्ट तुरंत बाद ही हमें कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं करना है। 1-2 मिनट का हम जरूर वेट करेंगे ताकि हमारी जो स्किन है वो एब्जॉर्ब कर ले इसको। लगभग गाइस 2-3 मिनट्स हो चुके हैं, क्योंकि थोड़ी देर के लिए मैंने इसको मसाज भी किया और 1-2 मिनट के लिए मैंने नियासिनामाइड को अपने फेस पे छोड़ दिया, तो मेरी स्किन ने इसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। इसके बाद गाइस अगर दिन में हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो 10% नियासिनामाइड को लगाने के बाद हमें सनस्क्रीन जरूर अपने फेस पे अप्लाई करनी है, क्योंकि नियासिनामाइड हमारी स्किन को सेंसिटिव बनाता है। तो इसके बाद कोई ना कोई क्रीम हमें जरूर अप्लाई करनी है। अगर आप नाइट में लगा रहे हैं तो इसके बाद आप नाइट क्रीम यूज कर सकते हो या फिर कोई भी फेस क्रीम आप अपने फेस पर लगा सकते हो। अभी मुझे बाहर जाना है तो मैं ये सनस्क्रीन लगा रही हूँ, जो कि फिक्स टर्मा का है।
अच्छे से अच्छा रिजल्ट पाने के लिए आपको इसे अप्लाई करना होगा रेगुलर, और लगभग 3 महीने के बाद आपको कुछ डिफरेंस नजर आएगा कि हाँ आपकी स्किन पर ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप कोई भी कंपनी का 10% नियासिनामाइड ले सकते हैं, फिक्सटर्मा का भी आता है और ये बी बॉडी वाइज का मैंने आपको बताया ही है। और लास्ट में ये बी बॉडी वाइज का है लिप बाम, मैं इसको अपने लिप्स पर अप्लाई करूंगी और अब हो चुका है मेरा स्किन केयर डन। डन, ये भी डन। जल्दी जल्दी से अपनी स्किन के लिए किसी भी कंपनी का 10% नियासिनामाइड ऑर्डर कर दे। अगर आप बिल्कुल ही परेशान हो चुके हो एक्ने मार्क से, डबल डेली डेली पिंपल्स निकल जा रहे हैं, उसके जो दाग है वो आपकी स्किन पर रही जा रहे हैं, फेस पे रही जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी लो होता ही होता है। सो इन सब चीजों से बचने के लिए अगर आप अपने फेस के लिए कोई अच्छा सा प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं तो आप ये जरूर यूज कर सकते हैं और इसको 3 महीने तक यूज करें एंड देन इसके रिजल्ट देखें कि कैसे आपको लग रहे हैं। तो गाइज वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कर दें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय।